सो हेलो गाइज, इट्स मी राहुल ट्राइडर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। बहुत दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं आई, तो आज मैं फाइनली इतने दिन से अपने गांव में था। 15-20 दिन मेरे को ऑलमोस्ट हो चुके अपने गांव में। हालांकि मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली दिल्ली टू उत्तराखंड ट्रैवलिंग की, मेरे को क्या क्या दिक्कत आई वो सब मैं बाद में डालूंगा। फिलहाल मैं अपने गाँव की वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैं हूँ फिलहाल। यहाँ पर जैसे कि आप मेरे को देख ही रहे होंगे, मेरी ड्रेस से अकॉर्डिंग आपको लग ही गया होगा कि यहाँ कितनी ठंड है। और सच में यहाँ पे बहुत ठंड है इस वक्त गर्मी में। आप लोग जहाँ भी सिटीज़ में हो, जो पहाड़ी इलाके में हो, उनको पता है कि पहाड़ों में कितनी ठंड होती है। इस वक्त मैं हूँ अपने गांव में, खड़ा हूँ अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर के आगे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। जितने भी मतलब मेरे दोस्त मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके हर गाँव में प्रसिद्ध मंदिर होता है। तो हमारे गाँव का जो फेमस मंदिर, मतलब फेमस क्या, जिस मंदिर को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं अपने गाँव में, वो मंदिर मेरे पीछे है। मैं उसके आगे हूँ, यहीं से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी है आज, मतलब फाइनली इतने दिन बाद। मंदिर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिस मंदिर के आगे मैं खड़ा हूँ उसको हम दीवा माता का मंदिर कहते हैं। मतलब रामनगर से अगर आप इधर की साइड आते हैं, बैजरों की साइड या सैली की साइड जाते हैं, आपको बीच में भी मंदिर दिखता होगा जहाँ पे हालांकि अक्सर बहुत लोग रुकते भी होंगे, तो वही है प्रसिद्ध मंदिर। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा, ओ कथगरों तेल स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा, अब हम चलते हैं फिर नीचे की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा गांव। सो अभी आपने देखा मेरे गांव का मंदिर, और अब हम जा रहा हूँ अपनी मतलब खेत से चलते चलते जाऊँगा और आपको पूरा गांव दिखाऊँगा एक बार। फिर आप बताना, कमेंट करना कि कैसा लगा आपको मेरा गांव, यहाँ मैं हूँ इतने दिन से। सच में यहाँ बहुत ठंड है यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। जो भी मेरे भाई लोग अगर दिल्ली में है और उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में है, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ आप जल्द से जल्दी अपने गांव में आज भी, कोई लॉकडाउन है जिनकी जॉब वगैरह नहीं चल रही है या घर से काम हो रहा है तो घर से काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अब उत्तराखंड पहले जैसा उत्तराखंड नहीं रह गया है कि यहाँ पर लाइट जाती हो या कुछ भी जाती हो, अब यहाँ पर बहुत कम लाइट वगैरह जाती है। हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, और यहीं मैं 2-3 साल पहले आया था एक बारी, तब यहाँ पर बहुत लाइट जाती थी। अभी भी जो मेरा वर्क चल रहा है वो वर्क फ्रॉम होम है, मैं अभी जो अपने गांव से आके कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गांव में आके कि यहाँ पर रियली कुछ ना कुछ तो डेवलप इन्होंने किया है। हालाँकि इलेक्ट्रिसिटी में ही किया है, बाकी चीज़ की तो यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। हवा सही है, पानी सही है, पानी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने बहुत डेवलप किया है मेरे गाँव के लिए। तो अब यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हैं अपने इधर उधर, वो प्लीज़ आइए गांव में। और अगर कोई क्वेरीज है, आप लोग उत्तराखंड से हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, या बैजरो थैलीसंड सुकई से, मैं हूँ, मेरे गांव का नाम सुकई है। ये देखिए आप पीछे व्यू, हालांकि अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग यहीं के आसपास के हो, जहाँ तक मैं अपना अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ आपको कि मुझे क्या क्या परेशानी आई, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसे गांव में आना है, कोरोना की रिपोर्ट हो रही है, गांव में क्वारंटीन के लिए रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ में से पूछिए जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं भी वहाँ से आया हूँ। सो ये देखिए सुकई गाँव का व्यू, आई डोंट नो आप लोगों को सही से दिख रहा होगा या नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। तो हाँ गाइस यार, बसें वगैरह बंद हो गई है, रोडवेज बंद हो गई है। मैं तो अपनी बाइक से आया हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अपना ब्लॉग डालने वाला हूँ 2 या 3 दिन बाद, बट मैं पहले रियली व्यू डालूंगा, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग डालूंगा। हालांकि सब कुछ आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल तो अपने गांव में टहल रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से होते जाऊँगा उधर से, और फिर जाऊँगा अपने घर में।
सो गाइस यहाँ पर जो मज़ा है वो कहीं नहीं है पहाड़ों का। आपको पता ही है कितनी ठंड होती है यहाँ पहाड़ों में। पहाड़ों का आनंद है। क्या करें इधर से चलेंगे तुम बताओ। बस सर यहाँ के ना ये चीज़ है ना जो ये देखिए इसमें ढंग से चलना होता है यार। हम तो शहर के लड़के हमको ज़्यादा पता नहीं है कैसे रहते हैं कैसे चलते हैं बट इसमें बड़े ध्यान से। कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है। मैं खुद यहाँ 2 साल बाद आ रहा हूँ 2.5 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ तक अपने गांव में तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यार रास्ता देखिए आप लोग इधर का यार मतलब इतना एडवेंचर लगता है यार। हम लोग को तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको बहुत एडवेंचरस लगता है बट जो लोग यहीं के हैं उनके लिए तो ये मामूली सी बात है इस रास्ते पर चलना बट हमको तो देख के चलना पड़ता है यार। कहीं टायर इधर का इधर हुआ तो हम गिर जाएंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो आपने देख ही लिया मेरा गांव के ऊपर डिटेल वीडियो मतलब एकदम पास से शायद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा बट मैंने सोचा था यार बहुत दिन से नहीं बनाया। आप लोग सोचे होंगे कि मैं कहाँ गया कितने दिन से कहाँ गायब हो गया तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट करा आज ऊपर आके। बाकी एक दिन मैं गाँव के अंदर रह के वीडियो बनाऊँगा दिखाऊँगा आपको गाँव के घर कि हमारे गाँव में लोगों के घर कैसे होते हैं अच्छे से दिखाऊंगा आप लोगों को सब चीज़। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से लेता हूँ आपसे गुड बाय। मैं यहाँ इस रास्ते से होते हुए जाऊँगा नीचे और वहाँ से चले जाऊँगा अपने घर को। अभी रात हो गई अगर सुबह का टाइम होता तो ऑब्वियसली मैं दूसरी वीडियो शूट करता गाँव के अंदर जाके मतलब जो है कि मतलब बड़े बड़े घर हैं मतलब बहुत पुराने ज़माने के जो घर हैं दिखाता किस तरह के यहाँ के घर होते हैं सो आप लोगों को पता चल पाता कि हाँ बेसिकली उत्तराखंड है बहुत जगह उत्तराखंड में डेवलप सिटीज़ हैं लाइक देहरादून ऋषिकेश बहुत सिटीज़ आपने सुनी होगी बट वो लाइक डेवलप हो चुके हैं। ये एक गाँव है देख लीजिए ये यहाँ पे कैसे कैसे घर हैं लोगों के जो यहाँ पे परमानेंटली रहते होंगे उनके यहाँ पे सीमेंटेड घर मिलेंगे आपको। जो यहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं या कुछ कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं हमारे जैसे उनके घर आपको मिट्टी के मिलेंगे और पत्थरों के मिलेंगे। सो इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप सबसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अब वीडियो आएंगी कंटिन्यूसली डे बाय डे और मे बी डे आफ्टर बिफोर आई डोंट नो कब आएगी बट बहुत जल्दी आएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर 2 या 3 वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। सो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड कीप लविंग राव स्पाइडर।